75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मथुरा रोड स्थित जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने ध्वजारोहण कर प्यारे तिरंगे को दी सलामी। आपको बता दें कि आज पूरा देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात जिलाधिकारी ने जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय संविधान के अखंडता एवं प्रवणता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुति दी। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। जोरदार ताली हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 15 अगस्त 2021 को संकल्प लेते हैं।
हमारे कलेक्टेड परिवार के सारे लोग, मीडियम साहब, पूरी टीम, सामने बैठे अधिवक्तागण, ऑफिसर्स, इस जनपद के माननीय सम्मानित लोग, मीडिया बंधु, होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान, आप सारे लोगों को आज इस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो पिछले लगभग 200 सालों की गुलामी अंग्रेजों की थी अपने देश में, उसके लिए जो वीर जवान और शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए जो प्रयास किए, उनके लिए सशस्त्र नमन। देखिए 75वीं साल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, यह जो नंबर 25, 50, 75 और 100 के होते हैं। पिछले 75 सालों में भारत देश, अगर आप विश्व के इस पटल पे देखें, तो अलग अलग क्षेत्रों में एक अच्छा खासा आयाम स्थापित किया गया है, और वह इसीलिए हुआ है कि अपने देश के जो नागरिक हैं, इन्होंने आगे बढ़कर इस समाज का, राष्ट्र का निर्माण करने में काफ़ी अहम भूमिका, योगदान दिया है अपना। जनरली हम लोगों को लगता है कि देश में क्या हो रहा है, आप किसी सेक्टर को उठा लो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, साइंस के क्षेत्र में हो, इसमें से काफ़ी लोग होंगे जो 50, 60, 70 की एज में भी आज के डेट में होंगे। आप 50 साल पहले की देश की हेल्थ की चीज़ें देखें, आज के डेट में एजुकेशन देखें, तो आपको खुद अंतर दिख रहा होगा। और ये सारी चीज़ें जो विकास की चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुई है। तो हम लोगों का सोच समय के साथ बदल रहा है, और वह बदलना भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जो एक नए नए आयाम स्थापित होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस देश के नागरिक का सबसे बड़ा 99% रोल होता है, उसके बाद 1% रोल बाकी चीज़ों की होती है। ये वही भारत देश है जहाँ पिछले 1947 से पहले कभी देखें तो न्यूक्लियर के क्षेत्र में, आसमान को छूने के क्षेत्र में जहाँ कोई काम नहीं होते थे, वहाँ आज आप चंद्रमा पर पहुँचने का, मार्स पर पहुँचने का, मंगलयान तक पहुँचने की चीज़ें हुई हैं।